सो ही गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। तो जैसा कि गाइज आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाइज आप लोग कैपकट एप्लीकेशन की मदद से अपने वीडियो के अंदर HDRCC इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से आप लोगों को अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ से आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। एंड इस वीडियो के अंदर आप लोग HDR इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के अंदर यहाँ पर आप लोगों को HDRCC इफेक्ट ऐड करके दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर कोई भी अभी तक हमने यहाँ पर HDR इफेक्ट ऐड नहीं किया, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को एंड में आना होगा। एंड में ब्लैक कलर का आप लोगों को वाटर मार्क देखने को मिलेगा। सो आपको इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से आप लोगों को डिलीट कर देना होगा। एंड इसको डिलीट करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इफेक्ट्स का। सो आपको इफेक्ट्स में जाना होगा, वीडियो इफेक्ट्स में जाना होगा। एंड वीडियो इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को स्क्रॉल करना होगा। एंड यहाँ पर आपको आ जाना होगा कॉमिक में। एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इसमें एक इफेक्ट ऐड करना होगा, ये वाला बिटवीन कॉमिक आप लोगों को ऐड करना होगा। इसको ऐड करने के बाद यहाँ से आप लोगों को ओके पर क्लिक करना होगा। एंड ओके पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से आप लोगों को फुल यहाँ पर आप लोगों को एंड तक कर लेना होगा। आप लोगों को पूरा कर देना होगा, इसको लास्ट तक कर देना जितना हमारा वीडियो है। अब आप लोगों को यहाँ पर फिर से बैक आना होगा, वीडियो इफेक्ट्स में जाना होगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को आना होगा बेसिक में, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को यहाँ पर बेसिक में आना होगा। बेसिक में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे करना, इसको स्क्रॉल करना होगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक इफेक्ट देखने को मिलेगा ब्लर का। सो आपको ब्लर में यहाँ पर आप लोगों को ब्लर वाला इसको ऐड करना होगा। इसको ऐड करने के बाद इसको भी आप लोगों को लास्ट तक कर देना होगा। इसको लास्ट तक करने के बाद अब आप लोगों को वीडियो के अंदर यहाँ पर दो इफेक्ट ऐड हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर ऊपर इस वीडियो को यहाँ पर इस पर क्लिक करके इस वीडियो को आप लोगों को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो इतना हमारा ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फाइनली हमारा वीडियो यहाँ पर देखते हैं, हमारा वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पर बैक आना होगा एंड फिर से आपको इफेक्ट्स में जाना होगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को जो हमने सबसे पहला इफेक्ट ऐड किया था आपको उस पर क्लिक करके यहाँ से आप लोगों को रिप्लेस इफेक्ट पर क्लिक करना होगा। रिप्लेस इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको थोड़ा सा कॉमिक में आने के बाद नीचे आप लोगों को थोड़ा स्क्रॉल करना होगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को अब नियॉन वाला इसमें आप लोगों को इफेक्ट ऐड करना होगा। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, आप लोगों को इसमें नियॉन वाला यहाँ पर इफेक्ट ऐड करना होगा। एंड यहाँ से ऐड करने के बाद ओके पर क्लिक करना होगा। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, हमारे वीडियो के अंदर यहाँ पर नियॉन इफेक्ट भी ऐड हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पर फिर से आपको इस पर क्लिक करके इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इतना हमारा ये वीडियो एक्सपोर्ट होता है। तो फाइनली हमारा ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब आप लोगों को फिर से बैक आना होगा। बैक आने के बाद जो हमने अभी भी इसमें दो इफेक्ट ऐड किए हैं आपको इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से आप लोगों को डिलीट करना होगा। एंड ये ब्लर वाला है, इस पर भी क्लिक करके इसको यहाँ से आप लोगों को इन दोनों इफेक्ट को आप लोगों को डिलीट करना होगा। अब आप लोगों को बैक आना होगा। बैक आने के बाद अब यहाँ से आप लोगों को यहाँ पर अवर्ले में जाना होगा, ऐड अवर्ले पर क्लिक करना होगा। ऐड अवर्ले पर क्लिक करने के बाद जो हमने सबसे पहले वीडियो एक्सपोर्ट की थी आप लोगों को उस वीडियो को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने उस वीडियो को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ से इसको फुल स्क्रीन में कर देना होगा। एंड गाइस आप लोगों को इसको फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्प्लिट का। सो आप लोगों को स्प्लिट पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ से आप लोगों को बर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा बर्न, सो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसको थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं जितना आप करना चाहें। सो आप लोग इसको मेरे हिसाब से 50 या 51 कर अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आप लोग इसको 50 या 51 या 52 आप लोग इसको रख लीजिएगा। अब आप लोगों को यहाँ से बैक आना होगा। बैक आने के बाद अब आप लोगों को फिर से ऐड अवेलेबल पर क्लिक करना होगा। जो हमने सेकंड वीडियो एक्सपोर्ट किया था नियॉन वाला, आप लोगों को फिर से वो ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आप लोगों को फिर से इसको फुल स्क्रीन में यहाँ से आप लोगों को करना होगा। फुल स्क्रीन में करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर फिर से डिस्प्ले में जाना होगा। एंड आप लोगों को लास्ट में जाना होगा, ये वाला आपको टोज वाला आप लोगों को इसमें ऐड करना होगा। इसको ऐड करने के बाद आप लोग अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, आप लोगों को इसको फुल करके रख लेना होगा। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्किन की अपनी स्किन पर देख सकते हैं, हमारी वीडियो अंदर HDR इफेक्ट ऐड हो चुका है। जैसा कि आप लोग अपनी स्किन पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर भी करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, तो देख सकते हैं हमारा सबसे पहला वीडियो जो था वो कुछ इस टाइप से था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्किन पर देखते हैं, हमारा सबसे पहला वीडियो ऐसा था बिफोर एंड आफ्टर, अब कुछ इस टाइप से है। जैसा कि आप लोग अपनी स्किन पर देखते हैं, तो इस टाइप से आप लोग अपनी वीडियो के अंदर HDR इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं, तो वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ से आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। तो ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, आप लोग इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करना था। मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।